हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। सब ने राम राम, उम्मीद करूँ सब ठीक होगे और इसने इग्नोर कर दियो क्योंकि मैंने कल पैड लिया और अभी आज मैंने खाना बना लिया। टाइम 9:30 हो गए हैं। अशोक और मिर्ची जग गए खाना खा के और अभी मैंने रोबी ने खाया है बना के ना और सुमन खाने लग रही है तो हमने खाना खा लिया। अब हम करांगे नए साल की थोड़ी साफ़ सफाई, तो ही मैं पंखे साफ करांगे, ड्रोर डारो साफ कर लेंगे, कपड़े जचा लेंगे और तो कोई काम कौन जाता, तो दोनों बाण मिलकर थोड़ी साफ सफाई कर लेंगे। तो कपड़े मैं चेंज कर लूँगी, अभी टी शर्ट चेंज करने वाली हूँ तो वो जो थोड़ी सी पुरानी सी हो रही है ना वो पहन लूँगी, या थोड़ी वाइट कलर की है तो गंद ज़्यादा मैल की हो जाएगी तो कपड़े चेंज कर लूँगी पहला, उसके बाद मैं करूँगी काम। ये देखो सोफे साफे सारे खंडा रखे हैं और अब हम थोड़ी सी साफ सफाई कर ली हूँ। सुमन खाना खा लिया है, फिर लगाऊंगे दोनों बाण काम पे। तो वीडियो पूरा देखियो कंटिन्यू। आप क्या करो सुमन काम कौन कर, आज वीडियो में सुमन अपने काम करती नजर आएगी। तो चलो अब साफ सफाई पर लग जाओ। और अभी टाइम हो गया है 1 और आज मैंने कुछ भी काम कौन कराया है, कुछ भी दिखाऊँ आपने। मैं आज करूँ की थोड़ी साफ सफाई, ये झड़काए हैं, ये तो मेरे बेड के गद्दे हैं दो, ऊपर एक सुमन का है नीचे, और आज मंज चाहिए अलमारी। ये मेरी जीजा की टी शर्ट, ये कैप्री और लवर है, ये बेड की एक्स्ट्रा चादर हैं और ये है कपड़े जो प्रेस करने दे क्या अगर सुमन बाहर हुए हैं। यहाँ पे मेरा बैग रखा है, एक्स्ट्रा सामान है सारा। और ये जचाई मैंने सुमन के कपड़े सारे खिंड रहे से थे, और ये देख लो ये सूट सूट हैं सारे सुमन के जो डेली यूज के घर पे पहन के हैं, ये टी शर्ट, ये कैपरी हैं, ये जीन्स हैं। तो इस तरह से जचा दिए, ये कुछ खान पीने की चीज़ें हैं वे ये डब्बे में यहाँ पर रख दी, और यो शीशा भी जचा दिया, ये देख लो यो भी जचा दिया। बार बूर तो साफ ना करे हैं बेचादर, पंखे कौन पूंजे हैं क्योंकि एक का हाथ कौन जावे। तो मैंने सोचा नई साल की सफाई कर लिया। हाँ अमीर बेबे लाग रही है, आप कमेंट आ रहे थे भाई सुमन काम कौन करा है, सुमन कमेंट आ रहे कि सुमन काम कौन करा है। थैंक यू सो मच जिसने भी कमेंट किया नुका, थैंक यू जिसने भी नुका भी सुमन काम कौन करा है। तो भाई सुमन साफ सफाई करने लाग रही है, देख लो ये देख लो दोनों बाणा ने मिलकर ये करी है, पर लगर उनकी भी कर ली। मैं उठ के दो तीन कसन धोए, मैंने परला कमरा ही कर दी, यही बाप का कमरा की करण लग रही है। ये पूंजांगे दोनों बाण मिल की पंखे, तो यही ड्रो साफ करा है, ये ले मेरे जीजे की अलमारी और जो चाखी ने, ये मेरे जीजे के कपड़े हैं इसमें, और ऊपर मेरा नीचे किधर रखे ये जो चाखी ने, ले फिर सादर चटका दें पंखे पूंज देंगे जल्दी हो जाएगा, परला कमरे का मन कर दिया। और ये भी जचा दिया मैंने, ये देख शीशा भी साफ करके जचा दिया। तो ये मैं बच्चा ने नुआया ही खाना खुआ दिया, बाकी मैं सुमन रह रहे हैं रोटी ना खाई है तो आटा छोड़ रखा है, ये रोटी बनावांगे। बर्तन धो दिए सुमन ने सारे, तो ये मैं थोड़ी सी साफ सफाई और कर ली हूँ, थोड़ी देर में मिलेंगे। देखो मेरी मम्मी और मौसी क्या कर रही है, देखो सफाई करा। हां पकड़ के बैठी हूं, बहुत बहुत मुश्किल था ही, जब सुमन पड़ेगी तो पड़ेगा ही। देखो ये तो देखो ये अमोल का पंखा पुंजा, हां सुमन चढ़ गई है सोफा पे कुर्सी लगा के ना ऊपर, ये देखो आज देख लियो भाई जो नू कम थी सुमन काम कौन करे, या मेरी मम्मी के घर पर सफाई कराया कर दी ने कई बार, तो मेरी माँ बाहर चल जाती है, मेरी मम्मी कहती संदूक का तरह सारा सामान काट दी, तो या काट दिया श्यामी श्यामी पूंज की नुकन दी माँ ने के मेरा पटका काट लिया, तो या बड़े छोड़ दें दी नू श्यामी श्यामी कराया कर दिया। तो आज मम्मी ने तीनों पंखे पूंज दिए हैं और काफी दोनों रूम आगे पूंज दिए, इतने तावड़ा मेरे नकड़ इतनी तावड़ी मिट्टी का है सुमन दिवाली पर साफ 24 घंटे 15 कोड़ कड़ाई तेरी कोड़ कौन भूलू मैं इसमें बस। तो ये हमने पंखे साफ कर दिए हैं दिनों, तो मैं बनाऊं रोटी अभी खातर, और सुमन मंदिर साफ करके एक बार वीडियो अपलोड करने लग रही हूँ मोज ऐप पे,
और इब रोटी खाकी ने वह बर्तन बर्तन धोएगी किचन साफ करेगी और मैं झाड़ू पोछा करूंगी और ये शीशे सासे सारे साफ कर देंगे अखबार थे तो आज सारा हो जाएगा कंप्लीट। किचन में भी कर दूंगी थोड़ा बहुत डरो डारो साफ कर देंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो ये मैं रोटी बना के खा लिया है एक बार। अभी बदली हटाई और मैं सोफे जड़का के झाड़ू पोछा करूंगी और सुमन अभी किचन साफ कर रही है। दिखाई बेटा सुमन मौसी दिखाओ क्या कर रही है। सुमन अभी मम्मी से बात करते हुए मेरी माँ का फोन आ रहा है बात करते करते किचन साफ कर देगी। मैं सोफे लगा के साइड में और झाड़ू पोछा कर दूंगी बाय। तो अभी 3 बज गए हैं झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने और अभी गुड़ खावे है और मैं जाऊंगी नान। सुमन सो रही है तो ही मिलांगे शाम ने 5-6 बजे मैं ना के सो जाऊंगी बाय। तो अभी हमने चाय पी थी बस 6:30 हो गई आरा सो काया है। अरे आज मुसमन ने पाड़ लिया भाई बहुत मेहनत करी है पाड़ा खातर दर्द तो बहुत होया है आपने की बताए। एक रुमाल इतनी खून की भर दी मैंने आज आता ज्यादा मेरा की है मेरा चेहरा बचा किमी हो रहा हो मैंने पाड़न का ही मतलब है चाहे निशान हो जाओ ना हो तो यो ही बाया है। मेरे जीजा आया है मैं चाह बनाऊंगी टाइम हो गया आज 7 बजे आए हैं मैं जीजा भी होगी और अभी खेला है आज मम्मी चाह भी पी है मैं और सुमन सो गई आंखें कौन खुली 6:30 बजे अभी नूला मम्मी चाह बना ली तो मैंने 6:30 बजे चाह बनाई है तो 7 बजे ये आए ही फिर चाह पीवांगे तो ये कपड़े चेंज कर रहे हैं तो मैं ही बना ली हूँ अशोक अंदर कपड़े चेंज करे आपने दिखाया था आज देखो मैंने की कर लिया सो सैड बहुत दर्द हुआ है थमी लग गया है नहीं फिर तो होगा होगा फिर तो क्योंकि वो मूस है यो बार बार मैं पाड़ू फिर हो जाए पाड़ू फिर हो जाए तो ये तो होता रहेगा। मैं नहा ली थी सिर धो लिया था और अब मैं बनाऊंगी चाय वो कपड़े बदले ही तरह दोनों जने मैं पानी दे दूंगी फिर चाय बना लूंगी। चेन्नई की मसूर मिठाई मंगवाई है इसका दोस्त ने भेजी है हमारे खातर मसूर पाक है अनिल शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे मसूर पाक भेजा। तो ये देखो भाई मिठाई बहुत ही स्वाद है ऑफिस में खोल लिया था 4 बर्फी का लूंगी 4 बर्फी वापस दो एक भी नहीं खा गई है मेरी बच्चा ना जाओ चले बेटा ये आगे देखो जरा गणी स्वाद है भाई मैंने एक बर्फी खा ली गणी स्वाद है जम्मा नरागी है मैसूरपा की देखो मैसूरपा तो भाई ये चेन्नई तो भेजी है किसी ने हमारा खान खातर देख लो ये चेन्नई तो नाम बताओ थी बागा के नाम बागा अनिल शर्मा जी ने भेजी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत स्वाद बर्फी है सुमन तो 10 एक ले ली आंदी वो फोड़न लाग रही आंगलियां तो सारे जने खान लाग रहे हैं मैं तो एक पहला ही खा ली अभी ये कौन खाया करा तो यो ही खान लाग रहे हैं मिठाई 1700 का एक डब्बा है 1800 रुपए किलो है भैया मिठाई कितनी स्वाद है सुमन बहुत स्वाद है आपको कैसी लगी माई आपको मिठाई कैसी लगी वो बेस्ट लगी तो भाई जुट रहे हैं खाने घी देखो सुमन क्या थम दिखाई सुमन की ये देखो भाई इसका थम घी है पूरा देसी घी की है जम्मा देख चप चप कर रहा है गणी मस्त मिठाई है घी लिख रहा है 2 hours later टाइम तो 9 बज गए हैं और सुमन का सिर ज्यादा दुख है और यार रोटी बनाने लग रही है चावल खिंड गया उतार दिया नहीं उस तो लो और उस तो पकड़ा मैंने मेरी रोटी गाल ली चावल दही और सब्जी है राजमा राजमा चावल खावांगे आज तो रोटी भी है मेरे बेटा ज्यादा सिर दुख है रोटी बना दे है फिर रोटी खावांगे तो आ जाओ आप भी रोटी खा लो अभी आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो वीडियो ने अपने व्हाट्सएप पर मेरी वीडियो का स्टेटस लगा लिया करो आज तक माना कमेंट भी आ रहा है कि बाण मैं तेरी वीडियो करो स्टेटस लगाऊ मेरे फोन पे धन्यवाद बाण तो मेरे रोटी ज्यादा बूंदी है बाता बाता तो रोटी खा लें आ जाओ आप भी खा लो और वीडियो पूरा देखियो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो।
और पुराने हो तो वीडियो पूरा देखो और दबकी शेयर करो। तो वही सब ने राम राम, गुड नाइट, बाय बाय।